Hey guys, what is up? Welcome back to my channel. आज हम आ गए हैं शिंजुकू में. हम होटल से निकलकर एक हमने Airbnb लिया है, तो एक बहुत ही क्यूट जापानीज स्टाइल फ्लैट हमने लिया है. आपको मैं रूम टूर देने वाली हूँ अभी, तो आओ आपको दिखाती हूँ. हमारा सामान आ रहा है बहुत सामान है, तो अभी ये देखो. अरे सुदर्शन दिख भी नहीं रहा है, सुदर्शन है. तो मैं आपको अपनी रूम टूर देती हूँ. तो घर में ही घुसते ही आपको ये दिखेगा एक घर के स्लीपर्स का रैक. यहाँ पे जापानीज और इवन इन इंडिया हम घर में जूते नहीं पहनते, तो बाहर के जूते यहाँ पे रहेंगे. और हम हाउस का जो ये बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट मैं इंडिया भी लेकर जाऊँगी, ये बहुत यहाँ पे मिलते हैं अच्छे. तो हम घुसेंगे अंदर. पहले ही घुसते साथ ही लेफ्ट में है वॉशरूम. नाइस, ये वॉशरूम है. यहाँ पे ये रहा हमारा बाथरूम. क्यूट सा बाथरूम है. नाइस. अब बढ़ते हैं आगे. तो ये है हमारा लिविंग रूम. ये छोटा सा उन्होंने किचन दिया है. ये है मेरा रूम. तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में? रिमोट भी है. रिमोट से लाइट बंद होती है. और रिमोट से चालू होती है. वाह, हम जब से बटन फिगर आउट कर रहे थे, बट ये लोग ने फिगर कर दिया कि बोला कोई उठने की जरूरत. हमको लग रहा था एसी का रिमोट है, पर एसी का नहीं था. और ये है बॉयज रूम. चारों बॉयज यहाँ पे रह गए. क्यूट सा रूम है और क्यूट सा बहुत क्यूट सा टीवी है. तो अभी हम लिफ्ट में से जा रहे हैं नीचे. आज थोड़ी सी टायर्ड सी हूँ. आज हमारा शिफ्टिंग और काइंड ऑफ शॉपिंग और रेकी का डे है. तो हम लोग जाने वाले हैं शिंजुकू पे. वहाँ पे ना एक गॉडज़िला का बिल्डिंग पर ऐसा एक बना हुआ है स्कल्पचर, और वहाँ पे 3D कैट का भी बड़ा सा स्क्रीन है. आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर. उसमें चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स. तो हमने बहुत ही नज़दीक वाला घर लिया है. बहुत नज़दीक नहीं, मतलब 10-15 मिनट दूर है. बट यहाँ पे इतना अच्छा वेदर है कि चल के पता ही नहीं चलता है कितना टाइम चला जाता है चल चल के. सो देखो गाइस, हमारे घर के सामने ही थ्रिफ्ट स्टोर्स भी है. और यहाँ पे ये सब जैकेट्स है जो 1000 येन के, आई थिंक इंडिया में 600-700 के पड़ जाएंगे इंडियन रुपीस में. शूज़ भी 600-700 रुपीस के. मुझे लगता है मेरा लगेज ओवरवेट होने वाला है. I can see some good stuff also, but मैं impulsive shopping नहीं करने वाली हूँ. ये 500 येन से start होने वाले कपड़े हैं. मतलब are you serious? 500 मतलब 250 या 300 में ही आपको ये सब jackets मिल रहे हैं. Good ना? पर लड़की लोग कह रहे हैं. Are you sure? अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे से विंडो शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर के एकदम ही नीचे है. तो मैं मुझे अभी हम बाहर निकल रहे हैं. So I do not want to carry it pura time. यहाँ पे बहुत ही मतलब सारे रेस्टोरेंट्स हैं. अगर खाने आने का किसको है तो ये लेन तो बहुत ही मतलब उनके लिए जन्नत हो गई. ये क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है जानने में कि ये है क्या. ये देखो खाना ही खाना. एंड आई थिंक ये यहाँ का के टाउन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना देखो के पॉप बॉयज कैफे एंड बार है. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे BTS के पोस्टर्स देखे हैं, BTS के मर्चेंडाइज देखे हैं. देखो ये स्किन केयर भी, कोरियन स्किन केयर. सो आई थिंक ये पूरा टाउन यहाँ का के टाउन है. एंड हमारे को यहाँ पे 2-3 हलाल रामन ये भी पता है स्टॉप्स. तो होपफुली हम वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक रामन नहीं खाया है. मुझे खाना है मेनली यहाँ पे सारे रामन का जो सूप बेस होता है वो पोक से बना होता है. मुनू भी गई थी, उसने मुझे बताया था कि थोड़ा संभल के खाना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें में पोक डालते हैं. क्या देख रहे थे तुम? वाह, ये भी थ्रिफ्ट स्टोर है, कितना अच्छा है ये. इसका प्राइस देखने दे मुझे, अगर ये अच्छा लगा मैं पहन के निकल जाऊँगी. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे प्रॉपर जापानीज़ रामन
शॉप्स है, शॉप ही बोलेगी ना कि रेस्टोरेंट्स है। और ये कितना क्यूट है, चीज केक्स सब खाने का बहुत मन हो रहा है हम लोग ने। लेकिन सुदर्शन और मिहिर को वेट करके बोला है कि हम उन्हें खाने के लिए बुलाएंगे। अब हम सिर्फ रेकी कर रहे हैं नीचे का जगह, बट हमारी नीयत थोड़ी डगमगा रही है मन कर रहा है कुछ खा लें हम लोग। और ये देखो प्रॉपर जापानीज घर है यहाँ पे, लोकल, बहुत अलग ही दुनिया है सच बता रही हूँ। एंड इट्स वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। सी द स्टोर्स, सी गाइस आई वाज राइट, ये कोरियन स्ट्रीट, ये मेरा फेवरेट। प्लस दिस इज हलाल ऑल्सो, सो आई लव इट एंड आई एम गोना टेक इट अभी एयरबीएनबी में ताकि हम रात में भी खा सके। तुम्हें पसंद है ये? तुमने खाया नहीं ये वाला, तो मैं तुम्हें मेरे हाथ से खिला के दिखाऊंगी, मतलब खिलाऊंगी। ये बहुत तीखा रहता है, तू नहीं खाएगा? मैं खा सकता हूँ। अरे मतलब तीखा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत तीखा है, हम नहीं चाहते हम यहाँ आके हमारे को कुछ स्टमक इशू हो जाए। गाइज ये है डॉन क्योटे और इधर आपको सब कुछ मिलता है, स्किन केयर, वो शूज, सॉरी गाइज बहुत अच्छे शूज है, मेरा ध्यान भटक गया। डॉन क्योटो या डॉन क्योटे आई डोंट नो, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है स्किन केयर से लेके सब कुछ। तो हम वो आ गए हैं स्ट्रीट पर और ये क्या है यहाँ पे, पेट शॉप पे आया ये। हाय टोको गाइस, सब लफड़े कर रहे हैं, सो क्यूट। वाओ दिस स्ट्रीट लुक्स सो लाइवली, इतना ऐसा लग रहा है कि हम कोई फन फेयर में आ गए हैं। वाओ लाइक मैं हर जगह घूमूंगी, कुछ ना कुछ हो रहा है पीछे, इट्स टू मच टू टेक इन, बट यस ऐसा लग रहा है किधर देखूं किधर नहीं देखूं। वाओ ये स्ट्रीट, वाओ। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे वो गॉडज़िला है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अभी रात है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक थिंग्स जो लोग देखने आते हैं। रियल लाइफ में थोड़ा छोटा है एंड उससे ज़्यादा वाइब्रेंट और देखने के लिए ये स्ट्रीट मतलब फुल क्रेजी है, मतलब कुछ भी हो जाए यहाँ से लेंस तो मैं ज़रूर खरीदने वाली हूँ। ओलेंस आई थिंक ये वही वाली है जो इंडिया में भी मिलती है, तो मैंने बहुत सुना है यहाँ की लेंसेज बहुत अच्छी होती है। ओ माय गॉड ये शिबुया क्रॉसिंग, ये क्या है, ये शिबुया क्रॉसिंग नहीं है, ये शिंजुकू है, तो शिबुया क्या होगी। लोग चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं। और अगर आपने नोट किया होगा, मैंने पहले ही बताया जापान में मोस्टली लोग ब्लैक पहनते हैं, उनका ब्लैक एस्थेटिक ज़्यादा होता है। सो यस आई थिंक इतना वाइब्रेंट चीज़ें हर जगह है, तो सुल्तान बीच में खड़ा रहेगा तो पॉप हो रहा है, पता चल जाएगा दूर से भी। हाँ पीछे देख वो भी, उसको भी तू ही दिख रहा है। हम एक विंटेज स्टोर में आए जहाँ पे देखो ये मेरे पीछे है काफ़ी सारे बर्किन्स, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके यहाँ पे विंटेज यूज्ड बैग्स है और काफ़ी अच्छे रेट में है। तो वी हैव सीन कितने का क्या होता है प्राइस रेंज, उस हिसाब से बहुत रीजनेबल है और यहाँ पे टैक्स फ्री भी है। अगर किसी को खरीदना है या इन्वेस्ट करना है इन बर्किन्स और समथिंग लाइक दैट तो अच्छी है। ये जो बैग है यहाँ पे अर्नेस का, ये है 15 लाख रुपये का। एक दिन मेरा भी खुद का बर्किन होगा, बट बर्किन इज मोर लाइक गोल्ड या कुछ, क्योंकि उसको हम नहीं मतलब लोग उसको उसी तरह वो करते हैं। नॉट एवरी बर्किन और नॉट एवरी कैली, वो कोई ही बैग्स होते हैं जो उतने प्राइस में लोग खरीदते हैं वापस। ओ माय गॉड गाइस लुक एट दिस, ये प्रॉपर यहाँ पे जो जापानीज एनिमे स्टाइल होते हैं, वाओ वेरी क्यूट आउटफिट्स, वेरी क्यूट। हम इसको स्टॉकिंग्स वॉकिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैं ट्राई करूँगी लेने का, आई डोंट नो कॉपीराइट आएगा क्या। यहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स वाले शॉप में जा रहे हैं, स्टोर में, लेट्स सी क्या मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे क्यूट जापानीज स्टाइल ड्रेसेस थे
बट मैंने नहीं लिया अभी तक क्योंकि वो थोड़े प्राइजी थे एंड मुझे लग रहा था मैं अगर वो पहनूंगी भी तो एक ही बार पहनूंगी। मैं इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें मतलब वो करके पुट टुगेदर करके मैं वैसा आउटफिट बना सकती हूँ, ऐसे मैं खुद को बोलती हूँ। इट्स माई आइडिया ऑफ डी इन्फ्लुएंसिंग माई सेल्फ। गाइस यहाँ पे लोग सिर्फ चलते ही रहते हैं, इतना चलते हैं चलते हुए ही दिखते रहते हैं मुझे लोग। तो पहला शॉपिंग का उद्घाटन हो गया है। ये एक ऐसा अरिगातो तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्यूट क्यूट आउटफिट्स हैं। थैंक यू। सो यहाँ पे आप आओगे कभी भी, स्टूडियो ऑल्टा करके है। तो हमने जैकेट लिया है, मैंने एक ही लिया है, अवेज ने दो लिया है, दो नहीं तीन लिया है। चलो चलो वाओ। ये यहाँ पे आई थिंक हम शॉपिंग वाले जोन में जाते जा रहे हैं। सो अभी हम लोग विवियन वेस्टवुड जाएंगे एंड शॉपिंग करेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे बिकॉज टू हंग्री। फाइनली शॉपिंग हो गई है और हम रामेन के लिए जाने वाले थे बट अनफॉर्चुनेटली 8:30 को शट हो जाता है। तो अभी हम लोग घर के वापस जा रहे हैं और वापस नीचे थोड़ी सी चीज़ें थी, कबाब और वो सब, मे भी वो खाने जाएंगे। और हाँ, अभी कैब में बैठे हैं, क्यूट सी छोटू सी कैब है एंड यहाँ पे लड़कियाँ कैब चलाती हैं विच इज़ रियली रियली गुड टू सी। सो हम यहाँ पे आए हैं देसी फूड कोर्ट में और यहाँ पे जिनका ये रेस्टोरेंट है वो हमें जानते हैं, ये सो स्वीट और वो यहाँ पे 8 साल से है। अच्छा, जो भी जो, लेकिन यहाँ पे जापान में एक ही जगह है जहाँ पे पानी पूरी मिलती है। या मतलब होगी भी अगर कोई, बट दिस इज आई थिंक वन ऑफ द क्लासिक जो होता है ना, उनके बहुत सारे ब्रांचेस भी है। उसका नाम है, स्टोर का नाम है देसी फूड कोर्ट है आई थिंक। सो यहाँ पे देखो, मैं तो पानी पूरी खाने वाली हूँ अभी। गोला भी है। सो आई थिंक जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं बेचारे बहुत मिस करते होंगे घर का खाना, गाजर का हलवा सब कुछ है। उनके लिए तो बेस्ट है ये। हम तो 4-5 दिन में ही मिस कर रहे हैं इंडियन फूड। बट यहाँ पे देखो इंडियन स्नैक्स भी मिलता है, ग्रिल चिकन भी बहुत टेस्टी दिख रही है। वाह, लाहौरी चिकन, वील टेक दिस। ये स्टोर का नाम है नेशनल मार्ट बट एक्चुअली इनकी जो चेन है वो हर जगह है जापान में। इट्स कॉल्ड सिद्दीक्स। सो हाय, सो स्वीट एंड सो नाइस टू मीट यू। सो अभी हम लोग इनके यहाँ पे खाना ट्राई करेंगे एंड आई थिंक हम यहीं पे रहते हैं तो रोज यही से मंगाना पड़ेगा बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो और कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी लोग जानते हैं, सब बोल रहे हैं, देखते आ रहे हमारे वीडियोस, देखा है वीडियोस। अरे मैं आपका फॉलोअर हूं। आप 15 साल से यहाँ पे हो? जी। क्या बात है, वाओ, कैसा लगता है? एंड गाइस द समोसा चाट वाज यम्मी, बहुत सेफ कंट्री है, मजा आ गया, बहुत सेफ, अच्छा लगा। तो जस्ट 7-Eleven से हमने चीजें लिया है अभी और बहुत सारा खाना लिया है। तो ये मेरा फर्स्ट 7-Eleven एक्सपीरियंस था, जो कि एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैं बस अंदर एक मिनट के लिए थी, हम बस पानी का बॉटल लेने गए थे एंड वो जो रेस्टोरेंट में इससे पहले जो लोग मिले थे वो लोग इतने स्वीट थे। मुझे कभी कभी लगता है हम इस चीज़ में ना ऊपर वाले ने हमें बहुत लकी बनाया है कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं हमें इतने प्यारे लोग मिलते हैं, इतने प्यारे, मतलब हर ट्रिप पे होता है ऐसा। तो आई फाइंड माई सेल्फ एंड अवेज ऑल्सो वी आर वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह दैट हमारे नसीब में ऐसे अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट लोगों का मिलना है। तो और आप सब हो ही यार इतने स्वीट, क्या ही करें। तो यस, वी आर सो हैप्पी और काफ़ी टाइम बाद किसी देसी लोगों से मिले हम। कहाँ पर, आई थिंक जो एरिया में हम थे वहाँ तो नहीं थे पहले, गिंजा में, और सिर्फ 4 ही दिन हुए एक्चुअली, बट हमें ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत दिनों से जापान में हैं। दो वी आर नॉट बीइंग एक्टिव ऑन स्टोरीज एंड पोस्ट में है एक्टिव, स्टोरी रियल टाइम मैंने बताया जैसे कि नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत कितने इवेंट्स थे और रियल टाइम स्टोरी करने में दिक्कत ही हो जाती है ना गाइस, कि वो हम ऐसा लगता है हम देखे, हम एक्सपीरियंस करें, हम खुश हो जाए, प्रोसेस करें, कैप्चर करे, बाद में फिर अपलोड करे, वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि अपलोड करने में
क्रॉप करो, एडिट करो, ये करो, वो करो, तो हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे, फिर हम सोचते घर जाके डाल देंगे। हाँ, तो ये आज का छोटा सा व्लॉग था, और मिलते हैं आप सबको बहुत जल्द। यस, आज इतना कुछ ज्यादा नहीं किया, बट जो भी किया थक गए, सो कल मिलते हैं, बाय।